सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं प्रमोद तोमर, 10 अक्षेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री का अपना फार्म है। हम यहाँ पर आज किसान भाइयों को जो रेटून मैनेजमेंट है, गन्ने में रेटून मैनेजमेंट हम कैसे करें, उसके लिए ये एक यंत्र है जो बहुत ही हमें अच्छा लगा है, तो इसके बारे में सोचा कि आज किसानों को जानकारी दी जाए। ये यंत्र मल्टीपर्पज यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा जो है गन्ने में जो गन्ने के साइड की पुरानी जड़ें होती हैं वो भी कटती हैं और जो छोटे हैं वो भी कटते हैं और साथ में खाद भी डालती है। देखो ये जो यहाँ तवे हैं, इसमें ये दोनों साइड में दो तवे हैं, एक ये है एक उधर है। तो ये क्या काम करते हैं, जैसे गन्ना हमारा यहाँ है और यहाँ से ये साइड से ये जो पुरानी जड़ें हैं ये काट देता है। दूसरा काम जो है वो पीछे जो ये हमारी फार लगे हुए हैं, इन फार के माध्यम से ये पाइप लगा हुआ है, इसमें ये ड्रम है, इसमें खाद मिक्स होती है। इसमें खाद जो है जैसे ही हमारा ट्रैक्टर चलेगा तो ये जो फार हैं इनके जरिए इसमें तुरंत खाद भी डल जाता है, इसलिए खाद डालने के लिए लेबर की भी बचत होती है। फिर एक ये जो ये हमारे ये रिंग ये हैं फार हैं, ये इन्हें काटते हैं इनके ठूंठों को, जैसे जैसे ये ठूंठा है यहाँ पे इसे बिल्कुल बराबर काट देते हैं, ऊपर की घास फूस सब साफ कर देते हैं, तो बिल्कुल ज़मीन के बराबर से ये ठूंठों को काट देता है, जिससे हमारी पेड़ी में फुटाव बहुत अच्छा होता है। तीसरा ये जो खाद डालता है, इसमें हमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि ये तुरंत, जैसे किसान भाई गन्ने की गुड़ाई कर देते हैं, खाद नहीं डाल पाते, नहीं समय मिल पाता, तो ये दोनों चीज़ें खाद भी और गन्ने की एक तरीके से जुताई भी और पुरानी जड़ भी काट देता है और आपका ये ठूंठे भी ऊपर से काट देता है। तो इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है क्योंकि खाद इसमें नीचे पड़ता है, नीचे जब इसमें नीचे पड़ेगा तो इसके ऊपर तुरंत मिट्टी आ जाएगी, इसलिए अगर किसान भाई जैसे खाद डाल दी और उस पर पानी नहीं लगा पाए या मिट्टी नहीं डाल पाए तो इस पर मिट्टी डल जाती है, तो खाद जो हमारी होती है वह मिट्टी के नीचे रहती है, तो उसमें जो धूप में खाद हमारी उड़ जाती है तो वो भी नहीं, वो नुकसान से भी किसान भाई बच जाते हैं। इसलिए ये कृषि यंत्र जो मल्टीपर्पज यंत्र है ये हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम अपने से फार्म पे इससे जो है यूज कर रहे थे, तो आज सोचा कि ये वीडियो बनाएं और हम अपने सभी किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस यंत्र का यूज करके इसका फ़ायदा उठा सकें। देखो किसान भाइयों को हम